पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता है, और कितने लोगों को तो फ़ोन भी आ चुके होंगे। खैर, ये मुद्दा ये है कि इस्लामिक कंट्रीज़ से, स्पेसिफिकली पाकिस्तान कह दें या सऊदी में कह दें या कहीं भी, इंडिया के उन उन स्टेट्स में कॉल्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली यूपी में ज़्यादा आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा यूपी में आ रहे हैं, कहीं तो लखनऊ में आ रहे हैं, क्योंकि सो कॉल्ड कहा जाता है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वगैरह वगैरह। तो कॉल्स आ रहे हैं, मुसलमानों को आ रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी है कि आपको सुना भी दूंगा। और मैं कोई ऐसा नहीं कि कहीं से भी गूगल से उठा के ले आ दिया, टाइम्स नाउ ने प्रॉपर रन किया था, और एक यहाँ के इमाम से बात भी की थी, और उनका भी लगभग सिमिलर थॉट प्रोसेस था। खैर, सब कुछ सुनाऊंगा मैं। कॉल का ये कहना था कि मोदी जी को झंडा मत लहराने दो, और झंडा मतलब इंडिया का झंडा मत लहराने दो 15 अगस्त आने वाले को, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की प्लानिंग है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, अपने लिए एक नया मुल्क मांगो, नया मुस्लिम बेस्ड कंट्री मांगो, और मतलब एक फिर से डिवीज़न के लिए बात छेड़ो। और एक तरीके से प्रोवोक किया जा रहा था, पूरा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे भी करके एक डिस्ट्रेस पैदा करो कम्युनल, और जो जो जितनी भी हारमोनी बची कुची है उसको तबाह कर दो। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। टू एन ऑडियो टेप दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड, दैट इज बीइंग सेंट बाय टू पीपल ऑन देयर मोबाइल फोन्स, आस्किंग इंडियन मुस्लिम्स टू राइज अप अगेंस्ट इंडिया। को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील है कि आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोकें। हमें सिख बहन भाइयों से सबक सीखना चाहिए, जो अपनी आजादी और अलग मुल्क खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए अलग मुल्क उर्दिस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। Allah Hafiz. Well, that's right, Padmaja, and primarily to people in Uttar Pradesh. Now, you see, 5th of August is when the Bhumi Pujan was done. 6th of August is when we started getting complaints of such calls being received by people at large in UP, and especially the journalists, because I spoke to at least 25 or 30 of my friends in Lucknow. Most of them had got the calls. That is there where we got this audio from. And not only these calls, but also IVRS message in several languages, including English and Arabic, have been sent to people asking to rise up to occasion, to not allow the Prime Minister to actually unfurl the flag on 15th of August. And in a मैं सोच रहा हूँ क्यों मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है। क्या कोई मुझे मुसलमान बता सकता है ऐसी क्या कमजोरी है, ऐसी क्या नस पकड़ ली गई है इस्लामिक कंट्रीज ने तुम्हारी, कि कभी भी कोई भी ऐसे फतवा आ जाए, कोई कॉल आ जाए, कोई प्रोवोक कर दे, तुम लोग एकदम उखड़ जाते हो। और उनको कैसे पता कि तुम ही लोग इन सब कामों को करने के लिए एग्री कर सकते हो, ये कहाँ लिखा है ये? या फिर मैं जैसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये उम्मा नहीं तो क्या है, एक अगले कॉन्फिडेंस होता है कि उम्मा के उसमें अंडर में आके अगर मैं कुछ भी बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड है मान जाओ, सबको करना चाहिए, तो सब कर देते हैं। अब 15 अगस्त आने वाला है, मुझे नहीं पता कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। खैर, इमाम ने क्या कहा वो सुनिए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाजपा और मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ तो हैं, ये साफ साफ इंडिया के इमाम का वो था। उन्होंने ये नहीं कहा कुछ लोगों के खिलाफ हैं या भाजपा में कुछ लोग खिलाफ हैं, उनकी कुछ नीतियां खिलाफ हैं, उन्होंने पूरा पूरा सिरे से बोल दिया कि खिलाफ हैं, हर चीज़ उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही की। आप सुनिए पहले। अगर कोई इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है और उसके साथ अगर उसका मजबूती के लिए कोई उसके साथ जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही इज आल्सो एन इस्लाम मुस्लिम एंड एंटी इस्लामिस्ट। सो पॉइंट पॉइंटेड क्वेश्चन, वुड यू कॉल एनी मुस्लिम सपोर्टिंग बीजेपी एंटी मुस्लिम? देखिए, कोई भी मुसलमान अगर बीजेपी को उसका ताकत दिलाने के लिए सपोर्ट करते हैं तो जरूर उसको ये नहीं करना चाहिए, पक्का इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का आज तक का जो एजेंडा है, आज तक का जो एक्टिविटीज है, ये सिर्फ एंटी मुस्लिम ही है। सो विल यू कॉल दैट एंटी इस्लाम? आप उसको इस्लाम के खिलाफ? एंटी इस्लामिक हम तो नहीं कह रहे, लेकिन मुसलमान को दुश्मन तो है पक्का।
मैं इंडिया के मुसलमानों से और स्पेसिफिकली हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस दिन के लिए इसलिए रेडी रहिए कि अगर आप साथ हैं भारत के, तो आप एक उस एक ऐसी लड़ाई के लिए रेडी रहिए कि कभी भी पनप सकती है और आपको हमेशा रेडी रहना होगा। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ किसी वॉर के लिए, किसी कम्युनल राइट के लिए नहीं। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप तैयार रहिए कि अगर कहीं से भी कुछ भी उठ पड़े, कुछ भी हो सकता है, आप रेडी रहिए जवाब देने के लिए। आर्मी, पुलिस, सेना सब अपनी जगह पे, सरकारें सब अपनी जगह पे हैं, जिसको जो करना हो करेगी, लेकिन कोई आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होगा कुछ करने के लिए, तो उस वक्त अगर ना आ पाए आर्मी तो आप रेडी रहिए बस। और जो मुसलमान साथ हैं भारत के, वो देखें कि जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग बहकावे में आके ये करने जा रहे हैं, उनको समझाएं, प्यार समझाएं कि कोई फ़ायदा नहीं है, करोगे मारे जाओगे, सरकार के खिलाफ, सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, और योगी जी इससे बड़ा एग्जांपल दे नहीं सकते। बड़े बड़े गुंडों को ख़त्म कर दिया, तो ये जो जो टटपुंजी हैं, जो छोटे मोटे बहकावे में आके कुछ करेंगे, एक एक गोली काफ़ी होती पुलिस की, बस ऑर्डर दे दिया अगर शूट टू किल का, तो नप जाओगे, पूरा पूरा नप जाओगे और बहुत बड़ी आबादी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये सब हरकत मत करना 15 अगस्त को कि रायट कर दें और किसी को रोक दें और जाके मोदी को डिस्टर्ब कर दें या फिर कुछ। 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हर बार होता है, और डिस्टर्बेंस कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आपको जो कहना आप कमेंट में कह सकते हैं या वीडियो शेयर करके कह सकते हैं, किसी तरीके से उन तक बात पहुँचा के कह सकते हैं। कन्फर्म कर लीजिए कि आप जानने वालों के पास तो फ़ोन आया कि नहीं आया, लेकिन क्योंकि आया है, बहुत जगह आया है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के आसपास वालों के पास आया ही होगा। तो आप कमेंट बताइए कि क्या आप जानते हैं ऐसे किसी कॉल के बारे में कि आया है आपके आसपास वालों के, क्योंकि हर आदमी के आसपास कोई ना कोई मुसलमान तो रहता ही है। और बल्क में कॉल्स की गई हैं, कई स्टेट्स में की गई हैं, सबसे ज़्यादा यूपी और लखनऊ में की गई हैं, तो हो सकता है कि आपके जानने वालों में आया हो। तो घर में बताइए, उनसे बात करिए, प्यार से बात करिए, समझाइए। हर चीज़ का पहला हल प्यार ही होता है, उसके बाद अगर बात बढ़ जाए तो आपको एक्शन लेना पड़ता है, और अगर लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। I got broads in Atlanta, Jesus the lean the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the bank. हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।